आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। रूस यूक्रेन युद्ध के 17 दिन बाद भी खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन के शहरों को भीषण बमबारी कर तबाह कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में महंगाई का बम आपके किचन के बजट को बिगाड़ रहा है। हो सकता है आपके शहर में गेहूं 20 से 22 रुपए किलो मिल रहा हो, वहीं सरसों तेल 200 रुपए लीटर के नीचे हो और दाल सस्ती हो, लेकिन आपको बता दें कि अपने ही देश में कई ऐसे शहर भी हैं जहां गेहूं का फुटकर भाव 44 रुपए किलो पर पहुंच गया है। ये हम नहीं बल्कि खुद केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए आवश्यक वस्तुओं के खुदरा भाव के आंकड़े आपको मायूस कर सकते हैं। 11 मार्च को बरेली में सामान्य चावल 60 रुपए किलो था, तो तुरा में 22 रुपए। वहीं राहुल गांधी केरल के जिस संसदीय क्षेत्र वायनाड से चुनकर आते हैं, वहां 1 किलो गेहूं के दाम 44 रुपए प्रति किलो है। हालांकि सबसे सस्ता गेहूं 17 रुपए मालदा में था। अगर गेहूं के आटे की बात करें तो देश में सबसे महंगा आटा देवनगरी में 55 रुपए किलो है, तो वहीं पुरुलिया में सबसे सस्ता आटा 21 रुपए है। दाल और रोटी के बाद आते हैं आम आदमी की सबसे बेसिक चीज दाल पर। देश में सबसे सस्ता चना दाल बागई में 54 रुपए किलो है, तो सबसे महंगा हल्द्वानी में 137 रुपए किलो है। अगर अरहर दाल की बात करें तो सबसे महंगा 134 रुपए किलो ये बीकानेर में है और सबसे सस्ता 70 रुपए ये जगदलपुर में है। बता दें एर्नाकुलम में ये उड़द दाल सबसे महंगी है। यहाँ 1 किलो उड़द की दाल के लिए 137 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं उड़द दाल का सबसे कम रेट 73 रुपए प्रति किलो रीवा में है। मूंग दाल हल्द्वानी में 128 रुपए और होशंगाबाद में ये 84 रुपए है। मसूर दाल 134 रुपए तुमाकुरु में है, तो होशंगाबाद में ये 66 रुपए है। अब अगर तेल की बात करें तो मूंगफली तेल का 1 किलो का पैकेट लोहारदागा में ये 245 रुपए है, तो वारंगल में ये 148 रुपए है। वहीं रमनपुरम में ये 1 किलो सरसों तेल के पैकेट 260 रुपए में मिल रहा है, तो सबसे सस्ता ये जबलपुर में 138 रुपए ये है। वहीं वनस्पति सूरत में 92 रुपए और मसूर ये 229, सोया तेल साहिबागंज में है वहीं 209, तो ये सूरत में वहीं 124 रुपए किलो ये बिक रहा है। सूरजमुखी तेल 267 रुपए बीकानेर में मिल रहा है, तो वहीं 139 रुपए ये सूरत में है, जबकि पाम तेल कटक में 177 रुपए, तो 98 रुपए ये जबलपुर में मिल रहा है। अब सब्जियों पर नजर डालें तो अभी सब्जियों के तेवर नरम है। आलू 8 रुपए से 42 रुपए किलो तक मिल रहा है। बीकानेर में 42 रुपए किलो के रेट से आलू बिका है, तो वहीं पुरुलिया लमे मात्र में 8 रुपए प्रति किलो ये मिल रहा है। अगर प्याज की बात करें तो भोपाल में 18 रुपए, तो आइजोल में ये 63 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर के भाव बैलरी में 7 रुपए और सोहरा में ये 70 रुपए किलो है। बता दें आवश्यक वस्तु के दाम में अंतर उनकी क्वालिटी और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आता है। तो ये थी बात गेहूं की, कि गेहूं 44 रुपए और सरसों 250 रुपए के पार पहुंच गया है। और ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।